वेलकम एवरीवन, माय नेम इज वंदिता वशिष्ठ और डेली टेक बाइट्स के एक और सेगमेंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रहे आज के टॉप 3 कमेंट्स आपकी स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच वंस अगेन कमेंट करने के लिए। और आज की डेली टेक बाइट्स हम स्टार्ट करने वाले हैं मोटोरोला के साथ। जी हाँ, मोटोरोला ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि मोटोरोला एच प्लस जो कंपनी का फ्लैगशिप फोन है उसको वो 19 मई को इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। और अब खबर आ रही है कि एक और फोन मोटोरोला G8 पार लाइट भी इंडिया में लॉन्च होने वाला है 21 मई को। फ्लिपकार्ट पर इसका एक टीजर लॉन्च किया गया है जिससे हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 21 मई को ये फोन इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। हालांकि कंपनी ने ऑफिशियली अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। फोन में आपको देखने को मिलेगा मीडियाटेक हीलियो P35 का चिपसेट। फोन जो है ऑलरेडी यूरोपियन मार्केट में लॉन्च हो गया है जहां पर इसकी कीमत लगभग 13,800 रुपए के आसपास थी, तो शायद इसी कीमत पर भी ये आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। और अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली खबर पर। और अगली खबर है रियलमी की। रियलमी अपने फर्स्ट एवर स्मार्ट टेलीविजन को इंडिया में लॉन्च करने वाली है 25 मई को। जी हाँ, फ्लिपकार्ट पर इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस के बारे में आपको पता चल जाएगा। फ्लिपकार्ट रियलमी का ऑफिशियल ऑनलाइन पार्टनर है और इसी के साथ स्पेसिफिकेशंस बता दी गई हैं। बेजललेस टेलीविजन होगा, यह आपको इमर्सिव स्मार्ट सिनेमा एक्सपीरियंस देने वाला है। इस टीवी में आपको मीडियाटेक का चिपसेट भी देखने को मिलेगा और साथ साथ क्रोमा बूस्ट जैसे काफी शानदार फीचर्स आपको इस टीवी में देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत इंतजार है इस फर्स्ट एवर स्मार्ट टेलीविजन का। और अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर पर। अगली खबर है एयरटेल की। तो जियो के ईयरली प्लान को टक्कर देने के लिए अब एयरटेल भी लेकर आया अपना नया ईयरली प्लान। जियो का जो ईयरली प्लान था वो 2,399 रुपीज का था और अब एयरटेल 2,498 रुपीज का अपना ईयरली प्लान लेकर आया है। इस प्लान में आपको मिलने वाला है 2 GB ऑफ डेटा एवरी सिंगल डे। इसी के साथ आप किसी भी नेटवर्क पर फ्री कॉलिंग कर सकते हैं, साथ ही साथ 100 SMS भी आपको फ्री मिलने वाले हैं। एंड दिस प्लान इज फॉर 365 डेज। तो काफी इंटरेस्टिंग प्लान लेकर आया अपने यूजर्स के लिए और आपके पास अब बड़े सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी मिल रहे हैं लॉकडाउन के अंदर। और अब इसी के साथ बढ़ते हैं हम अपनी आखिरी खबर पर। एंड द लास्ट न्यूज इज ऑफ नोकिया। नोकिया ने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया अपने फोन्स की और इस महीने आपको नोकिया 5310 का लॉन्च देखने को मिल जाएगा। वहीं अगले महीने आपको नोकिया 5.3 का लॉन्च देखने को मिल जाएगा। तो HMD ग्लोबल ने बताया है कि फोन्स जो है मेड इन इंडिया होंगे, तो आपको मेड इन इंडिया नोकिया फोन्स देखने को मिलेंगे और इंतजार रहेगा इन दोनों फोन्स का। तो नोकिया 5310 इस महीने यानी कि मई में लॉन्च होगा और नोकिया 5.3 अगले महीने यानी कि जून में लॉन्च होगा। तो दोनों ही फोन्स का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो ये थी गाइज आज की डेली टेक बाइट्स। अगर आप इन खबरों के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स दिए गए हैं, आप इन्हें डिटेल में पढ़ सकते हैं और इनके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आपको पता है आपको क्या करना है। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। As I always say, you know the drill. This is Vandita Vashishth saying goodbye.